क्या देख रहे हो? सोच रहे हो कि मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? अभी अभी मुझे एक सरप्राइज तरीके से मिल गया, एक बहुत अच्छा गिफ्ट। बताऊँ क्या? फाइनली अपनी मेहनत सक्सेसफुल हो गई, अपना चैनल मोनोटाइज हो गया 3000 घंटों पे। लो भाई, सुबह की शुरुआत हो रही थी, पिल्ला आ गया मेरे पास। पिल्ले चलेगा क्या घर? आज हम घर गाड़ी से नहीं बाइक से जाएंगे, क्योंकि इस पाँव से रेस नहीं लगती, प्रॉब्लम आती है, इसलिए बाइक चलाएंगे। भाई मांगी मोटरसाइकिल, सबसे बड़ी दिक्कत आती है लेते के साथ ही तेल डलवाना पड़ता है, उसमें डलवाएंगे भाई। अरे देख लो भाई, लो तो अब निकलते हैं ऑफिस से। रात को सारी गाड़ी भेज दी, दिन में ऑफिस लाइन लग गई। बाइक के ऊपर फुल मजा आ रहा है मुझे गाइस, वैसे ही डर लग रहा है कहीं कोई मेरे टक्कर नहीं मार जाए, इसलिए बार बार मैं साइड शीशे देख रहा हूँ, हेलमेट नहीं पहन रखा मैंने। ओए ओए, क्या मौसम के नजारे हैं। पर शाम को ऑफिस वापस आऊंगा जब देखना सर्दी लगेगी। फोन की दया, इतना पैसा कमा लिया, मैं मोटरसाइकिल पे चलता हूँ, वो भी गाड़ी पीछे लेके चलता हूँ। ड्राइवर ले आ, घर से दौड़े पैर के निकलते हैं, काम मिल गए इतना है, बस गाड़ी धुला दो और पापा को वापस दे दो। चलो क्या यार भाई, जिंदगी होती इतनी खराब। भाई भगवान की दया तो कैसे भी दिनों पर ऐसे दिन नहीं है कि घर वाले गाड़ी धुलाने के लिए देते हो, बस घूमने के लिए देते हैं अपने को। तो भाई मैं चल रहा है, सांस रुकी हुई है, बाकी इंडिया जीत जाएगी, कोई घनी बड़ी बात नहीं है ऑस्ट्रेलिया के आगे। काश मेरे पास भी ऑप्शन होता क्रिकेट खेलने का, तो मैं भी दिखाता मेरा परफॉर्मेंस इनको, बुरे बुरे बांदरों को। लो तो इसी के साथ पहुंच गया हम ऑफिस, ऑफिस का फुल व्यू दिखाता हूँ तुम्हें आज बाइक पे। तगड़ी वीडियो बनती है रे मोटरसाइकिल पे, तो मोटरसाइकिल पे घुमा करूँगा कल तक। मैं गाड़ी गुडी तो बेच बाज दी मैंने, सारी गाड़ी बेच दी है भाई, देख लो एक भी गाड़ी खड़ी हो तो ऑफिस पे, कैंपर पैम्पर जो दिखी उसको भी। अंग्रेजों की फील्डिंग सेट हो गई है, मेरा भारत जीत गया है ये। अरे जीत गया इंडिया, जीतने पे आप सबको देशवासियों को बधाई हो। लो भाई मैच का हाल देख लो, बहुत तगड़ा मैच चल रहा है, आज इंडिया पक्का जीतेगा मैं कह रहा हूँ। ज्यादा हो रहा था, मैं और पिल्लाए हमने इंजेक्शन लगवाया, अब चलते हैं। भाई आजकल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, ये मान लो पाँव ने बुरी हालत कर रखी है, बाकी देखते हैं जल्दी ठीक होते हैं। अभी दिखा क्या, उनने तो बोल दिया भाई इंजेक्शन लगा दिया है, करा कल MRI करवाना, फिर देखते हैं कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, मुझे इन्फेक्शन कैसे हो गया अंदर बिना मतलब का ही, बाकी देखते हैं भाई कल क्या रहता है। अभी तो शादियों का सीजन है, 2-4 शादियों में जिमने जाना है, देखो पर जल्दी जाते हैं। तो गैंग आज फेमस खाना खाने पहुंच गए, कठपुतली की बेजड़ की रोटी। और पिल्ला ठीक है तू? ओ भाई सलाद आ गई हमारे लिए, ऐसी आई है इन गरीबों के लिए, ऐसी आई है, कितना फर्क है यार, ऐसे मत, ऐसे नहीं करना चाहिए। लो भाई रोटी आ गई, 5 तरह के आटे की, ये देसी घी दे दिया भाई, पंच ने फुल सेवा करवा दिया आज हमारी, पंच नहीं दिख रहा, पंच ने फुल सेवा करा दी भाई, पंच पहले रहा हुआ है कैंपर में, फुल स्वाद आ रहा है। गैंग के साथ ऑफिस पहुंच गए, सर्दी और धुंध फुल है, शीशा टूट गया बीच में से आज, ट्रकों के तो लाइन लगा रहा है भाई। अरे ट्रक ऊपर क्या खड़े हो रहे जा सारा ही। क्या हाल है भाई सबके? अब तबीयत मेरी थोड़ी ठीक है इंजेक्शन लगवाने के बाद में, नहीं तो घनी बुरी हालत हो गई थी। बाकी आज यार इंडिया गलत हार गई, इंडिया को जीतना चाहिए था, पर कोई नहीं आगे जीतेगी इंडिया। तो ये देखिए आप हमारी कंपनी के सबसे खत्म आदमी हुक्का लेके बैठ रहता है, ये कंपनी का सबसे ज्यादा काम चोर आदमी है, इसको ना तो खुद को कुछ करना होता है ना किसी और करना होता है, ये गांव का पंच क्या बन गया, इसको कंपनी में पूरे दिन पंचायती चाहिए। अब बस मस्त सोराम भाई साथ बैठ के पटेलाई कर रहे हैं भाई, तो चक्राम कड़े जाओ दे यार, आप अपन ड्यूटी मार बैठे जाएंगे इन तो भाई, मैं नगद 285 रुपए मिली थी पंची में, तू क्या लपेटा मारे थे पंच कैमरे के सामने, बार बार मुंह छुपा रहा पंच तू, आज क्या मार देगा भाई आज खूब खड़ी कर दी, आज मैं ध्यान नहीं दिया मेरे आज काम को।
काम चोर को हमने काम करने भेज दिया, अब मैं और मेरा सोराम भाई जा रहे हैं लकड़ी लेने। देखते हैं कहाँ पे हमारे को लकड़ियाँ मिलती हैं, फिर हम आँच लगाएंगे। आज मैं आप सबको आँच लगाना सिखाऊंगा, कैसे आग लगाते हैं, लोगों में नहीं लकड़ियों में। लोगों में आग लगानी तो अपने कभी सीखी नहीं, पर लोगों ने बहुत सिखाया मुझे ये चीज़। बाकी सीखते रहो, देखते हैं कैसी क्या लकड़ी मिलती है। लो तो इसी के साथ गैंग तैयार हो चुकी है लड़ाई करने के लिए, नहीं आँच लगाने के लिए। शोराम भाई ने उठा लिया दामा, इन भाई टाट माल दर चालना जाए गांव वीरवानी गोबर गेरवा जाऊं जी। इस रोड पे कभी शांति नहीं आती, दो चार हाईवे और बनवाएंगे फिर इस रोड पे निरी शांति हो जाएगी। वैसे भाई किसी की दादी का नाम शांति हो तो बुरा मत मानना, मैं रोड की शांति की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी दादी की नहीं। लोगों की दीपावली का दिवाला निकल गया, हमारी अभी तक लड़िया नहीं निकली, पर क्या करें, लड़ी उतारने वाला तो आजकल दो चार दिन से आउटिंग गया हुआ है, वो आएगा जब भी उतरेंगे सब। कड़े लगाओगा एडे है, लगा दो कते, लगा दो। आँच लग गई है भाई, अब सर्दी को मैं बिल्कुल कंट्रोल में कर लूंगा इससे। आँच बड़ी तगड़ी लगाई है मैंने। आज मेरे फंस गया है एक भाई, इसका इंटरव्यू लेता हूँ। भाई कहाँ गाड़ी खाली करके आया तू? करनाल। कहाँ से है तू? अलवर से। मेवाती है क्या भाई? अपना भाई है, मेवाती है भाई। कितने चक्कर लगा दिए तूने इस महीने में? सात चक्कर मार दिए भाई, बहुत मेहनती बंदा है। तो फिर इसका मतलब कही होगी तो दूसरे तीसरे चक्कर अभी तक। और सुना कैसा लग रहा है तुझे मेरे से मिलके? तू बहुत बड़ा फैन बताया मेरा है। तूने बोला था कंपनी में किससे कि मेरे को अनिल से मिलवाना है। भाई मेरे को आज बड़ी खुशी हो रही है भाई से मिलके, भाई मेरे से बहुत दिनों से मिलना चाहता था, आज मैं भाई से मिल लिया। लव यू ब्रो। अंदर जाके देख के आता हूँ काम चोर क्या कर रहे हैं, कहीं सो तो नहीं गया। ओए होए, आज हमारी कंपनी का सौदा दिन आ गया है भाई, आज कंपनी का सौदा दिन आ गया। पंच बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, बड़ा मेहनती बंदा है भाई। पंच को हिसाब दो दबा के, तुम दोनों चुगला दो इसको। क्या देख रहे हो, सोच रहे हो मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? अभी अभी मुझे एक सरप्राइज तरीके से मिल गया, एक बहुत अच्छा गिफ्ट। बताऊँ क्या, फाइनली अपनी मेहनत सक्सेसफुल हो गई, अपना चैनल मोनोटाइज हो गया 3000 घंटों पे, 4000 घंटे वाला भी हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि अपने 3200 घंटे पार हो गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, फाइनली आज चैनल मोनोटाइज हो गया अपना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी मेहनत की, आप लोगों ने भाई बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यूँ मान लो जो भी मैंने तो वीडियो बनाई है, पर देखिए आप सबने अभी तक भी आप सबका बहुत अच्छा प्यार बना हुआ है मेरे साथ। आप अपना प्यार हमेशा ऐसे बनाए रखना। मानता हूँ अपने चैनल पे नए व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, ना ज़्यादा सब्सक्राइबर आ रहे हैं, पर जितने भी हैं बहुत प्यार दे रहे हैं भाई, ऐसे प्यार बनाए रखो। मौका मिला तो आपका भाई बहुत आगे जाएगा। तो ये तो थी अपने लिए आज एक खुशखबरी और एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको, आपका भाई एक छोटी गाड़ी ले रहा है, क्योंकि उसको कुछ यूनिक मॉडिफाई कराएंगे, वो भी बहुत तगड़ी। थार तो आजकल आपको पता है कोई मॉडिफाई करा रहा है, फिर मैंने वैसे आज थार बेच दिए, क्योंकि मेरे भाई कल्पेश ने नई थार ले ली है, तो अब दो दो थारों का क्या करते हैं हम, इसलिए अब कल्पेश की थार में घूम लिया करूँगा कभी कभी, नहीं पृथ्वी के पास है ही फिर, इसलिए अपन अब छोटी गाड़ी ला रहे हैं, मोटी बनाएंगे उसको, ठीक है भाई। तो बहुत जल्दी अब आपको सरप्राइज दूंगा। वैसे अपने पास पैसा आने लग गया, गर्मी देख रहे होगे शरीर में तुम, टी शर्ट में घूमता हूँ मैं, क्या करूँ पैसे, गर्मी आ रही है, चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया जो, अब मेरे पास हर महीने 200 300 400 रुपये आया करेंगे यूट्यूब की तरफ से। उसका मैं हर मंगलवार को 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया करूँगा, बहुत है फिर, ठीक है भाई, राम राम। मैं भी चला अब सोने, सुबह तुम्हें ब्लॉग मिल जाएगा 10:00 बज के,
30 मिनट पे मतलब 10:30 बजे। अब अपन ने ब्लॉग का टाइम चेंज कर दिया, अपना ब्लॉग हमेशा रोज 10:30 बजे आया करेगा, तो आज से सब टाइम याद रखना और देख लिया करना। बाय, गुड नाइट।